अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबीन डायरी, तो मेरा चैनल है मुबीन बायोलॉजिस्ट के नाम से। तो शुक्रिया, आपने मेरा सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है, आगे भी आप शेयर कर देंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको जस्ट थोड़े ही टाइम में मैं आपको बता, आपके बाकी थोड़े दिन बचे हैं, तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और थोड़ा छोटा सा वीडियो है, आप बोर नहीं होंगे। मैं आपको बताऊँगा लास्ट में वीडियो के मैं आज मॉक टेस्ट किस टाइम से शुरू करेंगे और मॉक टेस्ट आपको कितना फायदा देगी, ठीक है। 50 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाऊँ हाउ टू कवर एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी इन लास्ट डेज। आपके आखिरी दिन है और आपकी जो हार्ट बीट है वो भी तेज हो गई है, मुझे पता है, तो हार्ट बीट को नॉर्मल रखें, इतना टेंशन ना लें, जो होगा देखा जाएगा, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, ठीक है। अल्लाह पाक किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। तो एवरी जॉब इज नॉट डेट मनी, इफ यू हैव एबिलिटी देन मेनी जॉब्स आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू टेक इन टेस्ट, आई थिंक दिस इज राइट पाथवे फॉर यू। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू कवर एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी इन लास्ट डेज। मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दूंगा कि मैं आपको अभी बताऊँ कि आप रीडिंग करना छोड़ दो, क्योंकि रीडिंग का अब टाइम ही नहीं है आपके पास। आप जस्ट फोकस करो एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे, मॉक टेस्ट देखो, ठीक है। मैं नहीं कहता सर मेरा चैनल देखो, आप सब चैनल को देखो, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, आप उनके चैनल को भी देखो, फॉलो करो, उनको भी मॉक टेस्ट देखो, मेरा भी मॉक टेस्ट देखो, ठीक है, आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ रीडिंग करना बंद कर दो थोड़े दिन, बस आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहो। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप क्या करते हैं कि एक एमसीक्यूज है आपके सामने, बस आपने, आपको पता चल गया रट्टा लगा हुआ है, बस ये सही है, ये तो सही है, लेकिन जो तीन ऑप्शन है उनका जो रिलेशन है वो क्या है, उनका कंसेप्ट क्या है, उनकी डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी क्या है, उनका रिलेशन किससे, आपको ये भी याद हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको याद रख हो जाएंगे, तो आपके एक ही सवाल में चार एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि घुमा करा के टेस्ट दें, ठीक है। तो यहाँ तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में होती है, हमारे पास चार ऑप्शन है, मुझे पता है आपको याद होगा क्योंकि मैंने आपको अच्छा पढ़ा है। ओविडक्ट, ओवरी, यूटेरस, रेजाइना, चार ऑप्शन आपके पास है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब है कि फ्रूटफुल, लेटिन वर्ड, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, ये फीमेल के जो पार्ट है, तो यहाँ पे किसमें फर्टिलाइजेशन होती है, लोकेशन आपको देखनी है, क्या बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ओ, ए ओ ए है ऑप्शन, वेरी गुड, ओविडक्ट, वेरी गुड। तो जाहिर बात है आपका कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है उनका क्या करें, उनको भी आपको देखना है, उनका भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है। लेकिन जो ओवरी है ये एक प्रोड्यूसिंग करती है, आपको पता है फीमेल के अंदर जो है दो सेक्स हार्मोन है, एक है हमारे पास प्रोगेस्टेरोन, एक है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। प्रोगेस्टेरोन आपको पता है कार्पस ल्यूटेनम प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल ओवरियन साइकिल है उसका जो जो फेज है, कार्पस ल्यूटम जो येलो बॉडी है वो प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है यहाँ पे जो है ओवरी जो है प्रोड्यूस करती है। जब यहाँ पे जो है एक हमारे पास जो है बनता है और इस दो होती है, यूटेरस है, ये क्या है यूटेरस, ये वो लोकेशन है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ठीक है, लोकेशन प्लेस वेयर इज बेबी इज डेवलपमेंट इज कॉल्ड यूटेरस। यूटेरस वो जगह है जहाँ पे बेबी डेवलपमेंट करती है, ठीक है। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन है वेजाइना। वेजाइना क्या है, ये हम इनको आमतौर पर काम निकाल बर्थ के नाल कहते हैं। अब वेजाइना के दो फंक्शन है, ठीक है, एक तो ये रिसीव करती है पेनस सेक्सुअल मेल ऑर्गन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वेजाइना क्या करती है, रिसीव पेनस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, और वेजाइना का दूसरा काम क्या है, बर्थ के नाल, ठीक है, ये जो बेबी है वहाँ से जो है वो निकलती है, तो यहाँ पे वेजाइना का काम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल दिया है, आखिर में वीडियो को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज एक बहुत ही बड़ा मॉक टेस्ट आपको सेंड कर रहा हूँ जिसकी कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि आप MBBS डॉक्टर बनने जा रहे हो और आप मेरा ये जो वीडियो है अब मैं सेंड करूँगा एक दो घंटे में, या भी सेंड कर दूँगा आज ही, आपको उनको लाजमी देखना है, ठीक है, क्योंकि आपके MDKT में थोड़े दिन रह बच गए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। मे बी चार पाँच MCQs मेरे वीडियो में कुछ ऐसे हैं जो MDKT में आ जाएं,
आपका फायदा हो जाए, आपको सीट मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी सीधे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। हमारे प्रिय वीर ने दो इंडिकेटर में जो है बॉयज जो है MBBS ने टेस्ट पास किया था, अभी वो पढ़ रहे हैं, वो मेरे चैनल में भी उसके दो वीडियो हैं, उसने भी रेफरेंस दिया था, आपको पता होगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि MCQs पे फोकस करो, बस MCQs प्रैक्टिस है। अब आपके पास देर इतनी नहीं है, और अपने आप पर ऊपर प्रेशर ना डालो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मेहनत आपने की है, अल्लाह पाक उनको रायगढ़ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ठीक है। फोकस करो, आप अपना कंटिन्यू करो। मैं फर्स्ट ईयर का कोर्स मैंने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर जो कोर्स है जो न्यू बायोलॉजी है, मैंने उनको स्किप कर दिया आपकी वजह से, क्योंकि मैं आपको जब तक आपकी टेस्ट नहीं होती MDKIT, तब तक मैं ये जो मॉक टेस्ट है मैं सेंड करता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं फर्स्ट ईयर का जो इंटर का कोर्स है उनके वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज के लिए काफ़ी था, तो इंशाल्लाह आज मैं बहुत जल्दी MDKIT का जो मॉक टेस्ट है सेंड करने वाला हूँ, आप उनके लिए रेडी रहें, उनको देखें। एक एक MCQs आपको समझो उनकी कीमत ही नहीं, क्योंकि आप MBBS बनने जा रहे हो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए काफ़ी था, थैंक यू सो मच।